आप लोग अवतार सब क्या है? कुछ है क्या? हम आप लोग को आज के इस वीडियो में देखें अवतार संत श्री माने होता है नीचे उतरना भजन किसी ईश्वर को नीचे उतरने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ईश्वर तो पूर्ण रूप में काल्पनिक चीज होते हैं, वास्तविकता से उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप गोरखनाथ की बात उठावे तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर ईश्वर को मानना ही जरूरी है तो बस्ती और संज्ञान संज्ञान सुनने का बस्ती जो न सुन है न हो सकता है और उपस्थिति में जिसको उसकी उपस्थिति का एहसास हो वही ईश्वर देवता की बात आती है। देवता का माने क्या होता है? सीधे वो लोग कहेगा दिव्यता। दिव्यता किस बात का? राम से उसे प्राप्त हुआ मिला, कृष्ण से उसको मिला, परशुराम से उसे मिला, जिससे उसे मिला वो उसके लिए देवता हुआ। हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिला, हमको संत रविदास से मिला, इसीलिए हमारे देवता राम कृष्ण नहीं, हमारे देवता संत रविदास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो जिसको दिया वही उसके लिए देखता है। हमको क्या देना देना है किसी भी कर्म कांड से? जो हमको मंदिर के बाहर रखा, जो हमें देवता से बाहर रखा, जो हमें धर्म ग्रंथ को छूने नहीं दिया, उससे हमें क्या लेना देना? हमको आपको आज यह विचार करना चाहिए कि पेरियार ने कहा था कि जो धर्म या जो ईश्वर हमें नीच कहता है उसको लाचार पढ़ लीजिए। पेरियार को पेरियार उसी ईश्वर के भय को खत्म करने के लिए एक रथ पर सारे ईश्वर को लाद करके और लात जूता मारते हुए रामास्वामी पेरियार किससे आप डरिएगा? क्यों डरिएगा? मुझे क्या डरना है? अगर सच में पूछा जाए तो हम लोग ही यहाँ के मूल निवासी हैं, हिंदुस्तानी हम हैं, सिंध के पूरा हम लोग बात करते थे, जो बाहर से आया वो आज हिंदू बन गया है और हम लोग अक्षत बन गए, हम लोग शुद्ध बन गए। अगर उसकी व्यवस्था को हम कबूल नहीं किए रहते, अगर उसकी व्यवस्था को हम माने नहीं रहते तो आज ये हमारी दुर्दशा नहीं होती। उसकी व्यवस्था को मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, जिस पर आज भी हम अगर सही ढंग से पहल करें तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। जाति के आधार पर जो सम्मान चाहता है, जो पैसा चाहता है, जिसका धंधा है, अगर हम सम्मान देना बंद कर दें, अगर हम चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें तो जाति अपने आप भरभरा करके टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग उसकी व्यवस्था को कायम रखने में कारगर भूमिका निभा रहे हैं। हर एक कहा गया है कि जो तर्क नहीं कर सकता वो तो मूर्ख होता ही है, जो तर्क करने से हिचकता है वो महामूर्ख होता है। आप तर्क की कसौटी पर हर एक चीज को पोषिए, आप अपने से बात करिए, अपने अंतःकरण से पूछिए कि जो व्यवस्था बनाई गई है क्या वह व्यवस्था मानवीय है? क्या निष्पक्ष है? क्या अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो कोई भी हो, कहीं का भी हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसे मानना हमारी आपकी कमजोरी है, हमारी आपकी